رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة إلا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. मेरे इब्तियाई काबिल एहतराम दोस्तों, आदि साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए उम्मत के हर तबके के लिए दीन नाज़िल फरमाया, दीन के बगैर ना मर्द कामयाब हो सकता है ना औरत कामयाब हो सकती है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की मेहनत ये दोनों तबकों को अदा किया, दोनों तबकों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की मेहनत का जिम्मेदार बनाया। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ये कमाल ईमान का सबब है। जिस तरीके से कोई शख्स अम्र बिलमारूफ नहीं यानी मुनकर के बगैर कमाल ईमान हासिल नहीं कर सकता, इसी तरीके से कोई खातून अम्र बिलमारूफ नहीं यानी मुनकर के बगैर ईमान के कामिल दर्जे तक पहुँच नहीं सकती। जो ईमान के अंदर मेयार मर्दों के लिए है वही मेयार खवातीन के लिए है। इसमें आता है मन रहा मिनकुम मुनकर, कि तुम में से कोई शख्स बुराई को देखे या उसे बुराई का इल्म हो जाए तो फिर उसके जिम्मे है कि उसे हाथ से रोकने की कोशिश करे या जबान से रोके, या कम से कम दर्जा है कि उसे दिल से बुरा समझे। ये रिवायत मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि घर के अंदर अगर कोई बुराई में मुब्तला है, कोई शख्स फराइज को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा, तो घर के अंदर अगर कोई खातून है और उसके इल्म में है तो उसके जिम्मे फर्ज ऐन है कि बराई का हुक्म करे, बुराई से रोके, उसे नमाज पर लाने की फिक्र और कोशिश करे, बेपर्दगी है तो फिर पर्दे में लाने की कोशिश करे, ये उस खातून के जिम्मे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जितना उन लोगों को गुना मिलेगा उससे ज्यादा गुना इस खातून को मिलेगा जिसने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ा। नमाज छोड़ने को गुना समझते हैं और रोजा छोड़ने को गुना समझते हैं, दीगर फराइज को तर्क करना इसे हम गुना समझते हैं, लेकिन अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ देना इसे हम गुना नहीं समझते। हालांकि उलमाए इकराम ने इसको कबीरा गुना करार दिया, इसको कबीरा गुना शुमार किया है। भलाई को छोड़ देना, भलाई का हुक्म छोड़ देना, बुराई को अम्र बिल मारूफ को छोड़ना और नहीं यानी मुनकर को छोड़ देना कबाइर में से, इसमें से कबाइर में से। दावत के जरिए से खवातीन के अंदर अपने दीन में इस्तेकामत मिलेगी, जिस तरीके से हजरात सहाबा को दावत की वजह से और ख्वातीन को दावत की वजह से अपने दीन पर इस्तेकामत मिली, और इंफरादी दावत की वजह से ख्वातीन की बरकत से कुफार मक्का के घरों के अंदर दीन दाखिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे अव्वल से इस जिम्मेदारी पर मर्दों और औरतों को बराबर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्के के दौर में हजरत जिनीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये बांदी थी, और हजरत उमर के यहाँ
इनका आना जाना होता था, लेकिन ये रोजे अव्वल से इस्लाम और दीन कबूल कर चुकी थी और छुपके छुपके एक एक के पास जाकर के दावत दिया करती थी। जब कुफ्फारे मक्का को मालूम हुआ तो उन्होंने इतना सताया और फिर इतना मारा ताकि किसी तरह दीन छोड़ दे और इस्लाम छोड़ दे, फिर भी वो अपने दीन पर जमी रही। यहाँ तक एक दिन उनकी दोनों बिनाई चली, हजरत ज़िनिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दोनों बिनाई चली गई। तो कुफ्फारे मक्का ने कहा कि तुमने हमारे माबूदों का इनकार किया है, उन्होंने तुम्हारी बिनाई इसी वजह से छीन। इस पर वो कहने लगी कि तुम्हारे माबूदों को इतनी खबर नहीं कि उनकी इबादत करने वाले लोग कौन है, कहाँ है, कितने हैं, उनमें इतनी ताकत कहाँ कि ज़िनिरा की दोनों बिनाई छीने। ये तो मेरे अल्लाह ने तय कर दिया था अजल से कि मेरे साथ ऐसा हादसा और ऐसा वाकया पेश आना है। मेरे अल्लाह ने मेरी बिनाई ली है और मेरा अल्लाह इस पर कादिर है कि वो अगर चाहे तो फौरन मुझे बिनाई दे दे। ये कहकर वो सोई है और सुबह उठी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दोनों बिनाई दे दी। ये दावत की वजह से अपने दीन पर इस्तेकामत के सारे कुफारे मक्का अपनी पूरी ताकत आजमा रहे, अपनी पूरी कोशिशें लगा रहे, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद एक खातून को वो राई के दाने के बराबर ईमान और दीन से हटा नहीं सके। आज खवातीन के अंदर बेदीनी, खवातीन के अंदर इर्तिदाद और खवातीन के अंदर बेपर्दगी और उनके माशरे में बिगाड़ की वजह ही यही है कि खवातीन अपनी दावत की जिम्मेदारी को भुला चुकी, उनकी जिंदगियों से भी दावत निकल चुकी। मर्द दावत की जिम्मेदारी समझ रहे हैं और दावत दे रहे हैं, लेकिन खवातीन के अंदर से अपने दीन की दावत, अपने पर्दे की दावत, अपने ईमान की दावत और फराइज की दावत, सुन्नतों की दावत, आखिरत की दावत ये निकल चुकी। हालांकि हर खातून के जिम्मे है अपने कलीमे की दावत दे, ईमान की दावत दे, आखिरत की दावत दे, सुन्नतों की दावत दे, फराइज की दावत दे। इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है अपने घर में रहते हुए दावत का इंतजाम करे। घर में कोई शख्स किसी मौके पर आ जाए और उसकी दावत की फिक्र करे, पड़ोसन आ जाए, रिश्तेदार ना जाए तो इसको मैं दावत कैसे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, अदना दर्जा एक एक आदमी का ये हक समझे अल्लाह के नबी समझा कर देते तो उसे दावत दी। किसी का दर्जा इससे कम अल्लाह के नबी नहीं दिया करते, नहीं समझते इसे दावत। हमारी काम की बुनियादी मकसद खवातीन दावत के एतबार से उस जिम्मेदारी पर उस सतह पर पहुंचे जिस सतह पर वसल्लम खवातीन को छोड़कर हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह वो अपनी तमाम दर ताकत कुव्वत के बावजूद हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा को घर से बाहर निकालने में नाकाम रहा। घर से बाहर निकालने में उसने आदमी भेजा और कहलवाया के मेरे पास चली आओ। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा की 100 साल की उम्र और अभी अभी उनके बेटे को उसने कत्ल किया और सूली पर लटका दिया, उनका जनाजा लटका हुआ है। उन्होंने आने से इनकार किया तो हज्जाज ने कहलवाया या तो मेरे पास शराफत से चली आओ वरना मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें तुम्हारे चोटी के बल खसीद के मेरे पास लाए। कौन? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा, आयशा की बहन। इस पर उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगी जब तक मेरे चोटी के बल खसीद के मुझे ले जाने वाले लोगों को तुम नहीं भेजो। ये जवाब सुनकर वो घबरा गया और उसके बाद वो खुद उनके पास चल करके आया तो हजरत अस्मा के पास पहुंच के उसने कहा कि आप जातुन नताकईम हैं, आप जातुन नताकईम। अल्लाह के नबी कहा कि हाँ, ये अल्लाह के नबी ने मुझे लकब दिया। और फिर कहने लगी कि तुमको मैं एक हदीस सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में दो शख्स होंगे, एक जालिम और एक मुबरी, एक जालिम और एक मुबरी, जालिम और मुबरी, एक 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 कद्दाब होगा और एक मुबरी होगा। कद्दाब झूठा, मुसैलमा भी, मुसैलमा कद्दाब, उसे हम देख चुके हैं और उसका अंजाम भी हम देख चुके हैं। और दूसरा मुबरी यानी जालिम वो तू ही है, तेरे अलावा कोई। इतना बड़ा जालिम बादशाह
एक खातून को पर्दे से वो हटा नहीं सका, घर से बाहर निकालने में वो आजिज हो। ये उन लोगों की इनफरादी दावत का नतीजा था, घर घर के आमाल दावत का नतीजा था कि हर एक के अंदर अपने दीन पर इस्तेकामत। इसलिए हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी, खवातीन का ये सबसे बुनियादी फरीजा है कि अपने दीन पर और अपने पर्दे पर और अपने पाकीज़ा जिंदगी पर आने के लिए सबसे पहले अपने कलमे की और अपने ईमान की और अपने फराइज की दावत का इंतजाम करें। ये अल्लाह के रास्ते में निकालने का बुनियादी मकसद है, इस काम का तो बुनियादी मकसद है। घरों के अंदर 100% जमातों को क्याम कराना, 100% घर घर के अंदर जमातों का क्याम हो और हर घर के अंदर जमात का इस्तेमाल हो। ना उसके अंदर 3 कमरों की शर्तें हैं और ना उसके अंदर पक्के इमारतों की शर्तें हैं, ना उसके अंदर दरवाजों की शर्तें हैं, ना उसके अंदर टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए इसकी शर्तें, किसी कस्म की कोई शर्त। सिर्फ इतना देखना है कि इस घर के अंदर रिहाइश है और इसमें अल्लाह की बंदी रहती है और इस घर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और उम्मत की माएँ बहनें इसके अंदर रहती है, बस इतना देखना है। और उसके बाद उस घर में हर मुमकिन कोशिश करके जमात का क़याम कराने की फिक्र कर। 100% मोहल्ले के हर घर में जमात क़याम, कोई घर मस्तूरात के इस्तकबाल और मस्तूरात के क्याम से खाली ना रहे। शराइत पर्दे के अलावा हमारे कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि 2 दिन के क्याम के दौरान बेपर्दगी तो नहीं हो रही, मर्दों का अमल दखल तो नहीं है, मर्दों की मुदाखलत ना हो, आमद रफ्त ना हो, बस इतना हमें देखना। अगर हमने टॉयलेट बाथरूम अटैच की शर्त लगा दी तो फिर क़यामत तक जितने बंजारे लोग हिदायत से महरूम होकर दुनिया से जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि वो जमातों का इस्तेमाल नहीं कर सके, इस शर्त की वजह से कि टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए, तो इनकी हिदायत से महरूमी का सबब हम बनेंगे। क़यामत तक उम्मत का एक तबका है, सहारा नशीने और जंगलों में रहने वाले, बयाबान में रहने वाले, उनके यहाँ टॉयलेट बाथरूम अटैच इसका तो तस्वूर भी नहीं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे बंदियां और वो भी हिदायत के मोहताज हैं और उन तक दीन का पैगाम पहुंचाने का फितरी रास्ता यही है कि जमात मस्तूरात की बनकर उनके पास जाए, उनके खेमों में क्याम करें और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। अल्लाह की हमारी पकड़ों की मुआखजा होगा कि आप कौन होते कि ये शर्त लगाने वाले कि हिदायत चाहते हो तो पहले घर में टॉयलेट बाथरूम बनाओ, कौन होते हैं। दो दिन क़याम के दौरान पर्दे का नज़म हो सकता है, बस ये बात हमें देखी, घर में दाखिल हुए घर को देखा और ये बाहर निकल कर कहना चाहिए कि भाई आपका घर तो बहुत मुनासिब है और पहले से यही सिलसिला आपके घर का है, तो आपने इतने दिनों से अपने घर में जमात क्यों नहीं ठहरा। किसी भी मुसलमान के घर को हमें कैंसिल करने की इजाज़त नहीं, किसी भी मुसलमान के घर को मनसूख करने की इजाजत नहीं, फेल करने की इजाजत नहीं, ये कहकर के भाई फुना चीज नहीं, फुना सहूलत नहीं आपके घर के। चाहे मकान तंग हो और उसके अंदर वो मकान हवादार नहीं है, लोग ये कहते हैं कि पर्दादार हो हवादार, भाई पर्दादार तो ठीक सही है, ये हवादार की बात कहां से आ गई, पर्दादार ठीक, ये हवादार की बात कहां से आ गई, कोई शेर व शायरी तो नहीं हो रही, हवादार हो पर्दादार हो फुलादार हो ये दार हो वो दार हो, कोई मुशायरा चल रहा है क्या, मुकव्वा मुसज्जा इबारतें पढ़ते हुए जा रहे हैं। पर्दादार हो ठीक है, अच्छी बात है, हवादार कहां से आ गया, हम तो कह रहे उस घर में जमा ठहराएंगे जिस घर के अंदर कयामत तक हवा का गुजर भी नहीं, तंग मकान है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, रोशनदानी नहीं है, हवा का गुजर नहीं है, क्या ऐसे घर में हम जमा ठहराना चाहते, वरना ये खातून आखिरत में भी नाकाम रहेगी और दुनिया के अंदर बेचारी 40-50 साल इस घुटन के साथ जिंदगी और आखिरत में भी हमेशा की घुटन की दिन। हमारी बहनें 48 घंटे उस घर के अंदर ठहर गई और अमली तौर पर दीन पेश करते। देखो हमारा काम कोई दावत बयान तकरीरें करना नहीं है, कि आप जहन में अच्छी तरह बिठा लें, ये हमारी मस्तूरात की जमातें ज्यादा न बनने की वजह भी यही है कि 5 के 5 साथी तैयार है लेकिन फिर कैंसिल हो गए, क्यों कि मस्तूरात में बयान करने वाला कोई नहीं। नहीं भाई मस्तूरात की जमात तो बयान करने के लिए जाएगी नहीं, कौन गहरा बयान करने के लिए जा रही, ये सबके जहन से उतरनी चाहिए, एक
एक फिगर सवा कि हमारे पांच छह में से एक या दो मजबूत बयान करने अपने बयान मस्कुरात के काम में बयान का कोई काम। हजरत तो एक दिन कहने लगे कि हम तो चाहते हैं कि मस्कुरात को तो मर्दों के बयान से हटा दो, ज्यादा कोई खैर नहीं सकता और अब सारा काम मस्कुरात के बयान पे चल। फिर क्या काम मस्तूरात का, कि मस्तूरात का सिर्फ काम यह है कि हमारी ये चार पांच बहनें और वो किसी घर में ठहर गई और उन्होंने बर वक्त पांच वक्त की नमाज सही अदा कर ली और उन्होंने पर्दे के साथ बिल्कुल बाशारा पर्दे वाली जिंदगी वहां पर पेश कर दी और उस घर में तालीम कर लिया, छह सिफात के मुजाकरे कर लिए और सुन्नतों के साथ खाना पीना कर लिया और उन घर वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ गई और उन बहनों को घर वालियों को इनफरादी दावत देकर दीन का नफा समझा दिया और कलीमे नमाज की दावत दी, फिर उनका कलीमा सुन लिया, वुजू से ही करा दिया, गुसल से ही करा दिया और मर्दों ने मुख्तसर से दोपहर में जाके 20-25 मिनट की बात कर ली और फिर उसके बाद हमारी बहनों ने इख्तिलात करके उनकी तश्कीलें कर ली। ये हमारा मुख्तसर सा काम, इंतहाई सा काम, लंबे जोड़े बयान तकरीरी हमारा कोई मौजू नहीं है मसला। ये बात कसम खा के कही जा सकती है, अगर पांच महीने तीन दिन में गई या आशरे में गई और उनमें से एक खातून को भी बयान तकरीर करनी नहीं आती और सही से छह नंबर भी बोलने नहीं आते बेचारी टूटी बूटी अंदाज में, लेकिन पांच महीनों ने वहां दो दिन क्याम किए, उस दो दिन के अंदर तमाम इज्तिमाई अमाल की सही पाबंदी की, तमाम इनफरादी अमाल का इंतजाम किया, नमाज जिक्र तिलावत और सुबह तालीम के हाल थे कुरान के हाल थे और उसके अंदर छह सिफात के मुजाकरे किए, दोपहर के वक्त में आई हुई बहनों से खूब इख्तिलात किया, उनकी जहन साजी की और उन तक दावत पहुंचाई और उन्हें अमाने दावत और घर के मामूलात पर उन्होंने तैयार कर लिया और कोई बड़ी तकरीर और बयानात उन खवातीन ने नहीं किए और फिर उन घर के बहनों को और मोहल्ले की बहनें जो आई उनको बिठा 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 करके कलीमा सुना, कलीमा सही करा दिया, वजू सही करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ज्यादा कामयाब मस्तूरात की कोई अमल, असल इख्तिलात है, जिस तरह मर्दों की जमात के जरिए इख्तिलात फर्द फर्द से मुलाकात मतलूब है और उसी से उम्मत के अफराद तक दीन की दावत पहुंचेगी, इसी तरह खवातीन में भी इनफरादी दावत मतलूब है, जमा करके ज्यादा तकरीरें करना मकसूद है। अब तो तकरीर का इतना मिजाज हो गया है कि अगर तीन दिन की आशरे की जमात जा रही है तो ऐसे ही इलाके में जाएगी जहां 40-50 बहनें दोपहर में दो दिन तक जमा हो जाए और अगर जमात ऐसी जगह चली गई कि वहां पर दो दिन तक सिर्फ चार बहनें थी तो फिर साथी भी नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं आपने हमारा दो दिन जाया कर दिया। तो क्या बात है कि बहनें नहीं है, कैसे पता चला, हमने चप्पल गिने ना, आठ ही चप्पल थे, दस ही चप्पल। इसका मतलब ये कि वो चार बहनें अहमियत नहीं रखती, उन चार बहनों को अल्लाह के नबी की दावत की जरूरत नहीं, उन चार बहनों को दीन की दावत की जरूरत नहीं है और वो बेदीन रहे तो रहे और उसकी हालत में दुनिया से चली गई, जहन्नम में चली गई कोई अर्ज नहीं, जन्नत में नहीं गई कोई नुकसान नहीं, हमें तो हमारी तकरीर सुनने सुनाने के लिए 60-70-80-90 बहनें जमा करो, यहाँ बीमारी चल रही। एक तो जाने वाली जमात में खूब बयान तकरीर का मिजाज और फिर ये जावे तो फिर उनको साहिब की बात है मजमा चाहिए बयान सुनाने की, ये तो भुलाई दिया हमने, ये तो फर्द को फर्द का फर्द पर काम, फर्द का फर्द पर मेहनत करने का काम। ऐसे गांव देहात अभी तक मौजूद है जहां हमारी मस्तूरात की सहरोजा की जमातें नहीं गई, अल्लाह माफ कर, और हम रो रहे कि बातिल ने उन्हें अगवा कर लिया, बातिल ने उनको उचक लिया है और उनके ईमान पर कलीमे पर दीन पर इस्लाम पर डाके डाल दिए और वो लोग इतने दूर रहे दीन से दीन की दावत से कि वो बिल्कुल नाआशना होकर अजनबी होकर उन्होंने कोड़ियों के दाग में अपने ईमान और इस्लाम का सौदा कर दिया और अब रो रहे लोग मुर्तद हो रहे, क्यों नहीं होंगे मुर्तद, हमारी जमातें कहाँ जा रही, तीन दिन मस्तूरात की जमातें क्यों पहुंच नहीं रही गाँव देहातों के अंदर। हजरत बार बार फरमा रहे मस्तूरात की जमातों का वजू है मस्तूरात को तलाश करना, ये नोट करने आप, ये नहीं कि भीड़ तलाश करना, मस्तूरात मां मस्तूरात जमातों का खुरूज का मौजू क्या है, एक एक खातून को तलाश करना, एक एक मुसलमान के मकान को तलाश करना, ना मस्जिदों को खोजना, ना मुसल्लों को खोजना, ना खाने पीने का इंतजार करना, ना नुसरत और इस्तकबाल और अच्छे मकान और फुलफिल्ड स्पेशलिस्ट मकान को तलाश करना, कोई गुंजाइश नहीं है, हम तो खोजेंगे जाकर डाटा निकालेंगे कितने जिले हमारे अतराफ में गांव है,
उन गांव में से कितने गांव ऐसे, एक मकान है, दो मकान, मस्जिद नहीं, मुसल्ला नहीं, आज तक मर्दों की जमात तक नहीं गई, वहां पर हमारे इमाम मस्तूरात मजबूत जमाते हैं। वहां चिल्ली की जमात कहां से डाल, वहां तो हमारी जाके सैरुदा की जमातें काम करे, वहां हमारी अशरी की जमातें जाके काम करे। घर को देख लिया तो ये कहना चाहिए कि इतना अच्छा घर, इतना मुनासिब मकान, और आपने आज तक जमात नहीं फैलाई, तो रोता हुआ कहेगा आप देखना कि नहीं, हमने पेश तो बहुत किया अपने मकान को, लेकिन आज आज पहले शख्स है कि आपने हमारे घर को पास किया, वरना जो ब्याज में फैल गए। ये हमारे अंदर की कारगुजारी नहीं, अभी एक बैरून की जमात जाकर आई, हमारे हिंदुस्तान की एक जमात बैरून मुल्क में काम कर कर आई, तो उन्होंने ये बात सुनाई कि वो मुल्क वाले सिर्फ इस वजह से पूछ रहे हैं कि हमने उनके सारे घर कबूल कर लिया, कि निजामुद्दीन से हिदायत दी जा रही, कोई सहूलतें आपको नहीं देखनी, कोई फैसिलिटीज आपको नहीं देखनी, सिर्फ देखना है कि उस घर में अल्लाह की बंदी है, अल्लाह के नबी की उम्मत की माएं बहने हैं, तो आपको किसी कीमत पर उस घर में 2 दिन 48 घंटे आमाल दावत के साथ गुजारना सबसे बड़ा काम। तो हमने सारे घर कबूल कर लिए, उनको बड़े बड़े अखराजात लेके जमाते जा रही, अल्लाह का फतह। एक जमात अभी वन वातू ऑस्ट्रेलिया के आइसलैंड में सेक ले, 30-40 हजार मुसलमानों की आबादी, जमात वहां गई, सारे प्रोफेसर हजरात, तो सब माशाल्लाह पुराने नुसरत में आए हुए, एक जोड़े पर 5 लाख खर्च, तो उन्होंने थोड़ा खर्च बढ़ाया और माशाल्लाह एक एक जोड़े ने 10 लाख खर्च, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। शादियों में तो बहुत आम बात है, 3 लाख हमने एक मीनू और एस्टिमेट डाला था और वो 5 लाख डाला था, 10 साल, अल्लाह का फजल इस काम की बरकत से अब यही अखराजात माशाल्लाह इस काम के ऊपर भी और दावत के ऊपर भी ये अखराजात आ रहे हैं। लोग एक खर्चा लेकर जा रहे हैं, उससे दुगना तिगना खर्च कर जा रहे, अल्लाह का फजल अपनी सादत समझ, कह रहे हैं कि उस पूरे मुल्क के अंदर हमें जितने मकान मिले, एक मकान में भी टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं थी, और वो तरस रहे बेचारे, आज तक हमारे पास जमाती की आई, मस्तूरात की जमातें सिर्फ इसी वजह से नहीं आई और हमें छोड़कर दाएं बाएं वो गुजर गई, इसलिए कि हमारे इलाके में किसी भी घर में टॉयलेट बाथरूम हटे। आप पहली जमात है कि आपने आपने हमारे इलाके में क्याम कर और आपने अपनी मस्तूरात को जरूरियात से खारिज करने के लिए हमारी बहनों के साथ बाहर की तरफ भेज दिया, लेकिन आपने हमारे घर को नहीं। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां की बहनें दिन और रात इन मस्तूरात के साथ चिपकी रही और बैठ करके नमाजें सीख रही, कलीमा सीख रही, सुआएं सीख रही, रो रही बेचारी। जंगल का इलाका है, दरवाजे तक नहीं उस घर के, टॉयलेट बाथरूम तो बहुत दूर की बात है, जंगल के अंदर दूर दूर आबादी, एक घर उसके बाद दूसरा घर, एक घर में दरवाजा नहीं, कुंडिया नहीं, चटखनी नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल, ना जानवरों का कोई खौफ, ना चोरों का कोई खौफ, ऐसा पूरा मन ना हो। 5-5 महीने रात को जंगल में से 5-4 घंटे रात भर चल करके आ रही है और सुबह पहुंच रही, और फिर 2 दिन तक इनके पास रहेंगे, अपना कलीमा नमाज सीख करके जा। बेशुमार खवातीन जो हमारी दावत ना पहुंचने की वजह से ईसाई बन गई और दूसरे मजहब को इख्तियार कर चुकी, इस जमात को सिर्फ देख देख करके ये बहनें भी दोबारा पलट के आई और बेशुमार ईसाई भी कलिमा पढ़ के दिन बता, देखने को लोग तरस, खूब खाना खिलाया, महंगाई इतनी कि एक टमाटर 300 रुपए के, ज्यादा नहीं, एक टमाटर 300, सीधे साधे लोग सिर्फ आलू को उबाल लिया और खा लिया, खाना पूरा हो, आलू उबाल के खाना। इन जमातों ने भी ऐसी 50-50 लोगों को खिलाया, एक दिन के अंदर आलू उबाल दिए, एक दिन टमाटर, एक दिन ये उबाल दिया, वो उबाल दिया, खिलाया उनके लिए बिरयानी की, इधर तो काम हो गया माशाल्लाह। जूक दर जूक खा रहे, हद आगे जब आखिरी खाने के वक्त में मकामी बहनें खाने नहीं बैठ रही, सुबह से शाम तक 2 मरतबा दस्तरखान में बैठने को तैयार नहीं, क्या करें, ये खाते पीते तो जिंदगी बर्बाद होगी, कम दिन तो मिले, आप लोग चले जाएंगे, इसलिए हम आपसे दीन सीखना चाहते हैं, हम खाना खा रहे तो बैठ करके अपने कलीमे नमाज और दुआएं सूरतें सीख। हत्ता के जब जाने का वक्त करीब आने लगा तो वो बहनें दुआएं कर रही, अल्लाह करे हिंदुस्तान में दोबारा कोरोना आ जाए, कहने लगी ये आपके लिए बद्दुआ हो सकती है लेकिन हमारे लिए दुआएं दुआ, हमारी नस्लों के लिए हिदायत का जरिया, कि आप उस बहाने से चंद महीने और रुक जाएंगी तो हम और दीन सीख लेंगे। आप तरफ इलाके के इलाके, मुल्क के मुल्क, अल्लाह का फजल आए, उन्होंने कारगुजारी सुनाई, तो अब तक उनके वापसी के 6 महीने में 3 जमातें और वहां चली गई। काम है जब मुल्कों के अंदर ऐसे ऐसे हालात हैं और वहां जमातें जाके इस तरह काम कर सकती है, तो हम अपने अपने अतराब, जिले के अतराब में, शहर के अतराब में, गांव है, देहात है, बंजर बस्तियां हैं,
ارتداد کے دھانے پر ہیں اور مختلف جو ہے حالات ان کے اوپر ہیں, تو وہاں ہم اپنی سرور کی جماعتیں نہیں بھیج سکتے, اچھلے کی جماعتیں نہیں بھیج سکتے. تو جماعت خوب بن رہی ہے, اس کے باوجود بھی ہمارا مزاج ایک بن گیا ہے کہ بھائی ماحول میں جا رہے, ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جہاں زیادہ مستورات کی گھنی آبادی ہے وہاں جا رہے, یا یہ ہے کہ جماعت نہیں بن گئی. جماعت بن رہی ہے تو آپ ان سارے پٹیوں میں ڈالنے کا اہتمام, سرخیوں میں لینا, اپنے دفتر رجسٹر کے اندر, اپنے دفتروں میں رجسٹروں میں وہ پنے جس کے اندر ہم نے وہ مکانات ایڈ کر کے رکھے ہیں کہ جہاں 25 سال 20 سال سے جماعتیں ڈرتی ہیں, سب سے پہلے اس پنے کو پھاڑ کے پھینکو. باقاعدہ تحقیق کر کے ایسے گھر اس میں آپ چڑھائیں سرخیوں میں جو گھر بالکل ارتداد کے دھانے پر, آج تک وہاں جماعت نہیں گئی, کب کس موقع پر کس مرحلے میں وہ اپنے ایمان اور نماز اور اپنے اسلام کو کوڑیوں کے دام بیچ کھائیں گے کچھ نہیں پتا. ایسے گھر کو سرخیوں میں ڈال, اب جماعتیں بننی سے روزہ کی اور عشرے کی مضبوط جماعتیں, انہیں اٹھا کر کے اس گھر میں سب سے پہلے ڈالنے کی کوشش. مستقل محنت ہونی چاہیے کہ دیکھ اس گاؤں میں جا کر پہلے سے, جیسے ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں نا 8 گھنٹے کی ملاقات, اس میں کہتے ہیں کیا کام, ایک کام یہ بھی ہے کہ اس گاؤں میں 2 گھنٹے کا ہمارے دو ساتھی جانے اور ان کو آمادہ کریں کہ دیکھو کل پرسوں ترسوں ایک جماعت آنے والی ہے, بس تو رات کے آپ گھر میں ٹھہرا, آمادہ کریں جا کر کیا بات ہے, پہلے سے ہمیں تھوڑی استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. باقاعدہ ماحول بنائے, فضا بنائے کہ بھائی جماعت مستورات کی تیار ہے, ہم آپ کے مردوں کی جماعت کو لے کر کے آئے, آپ نے وعدہ کیا تھا, ماشاءاللہ جماعت کل آ رہی پرسوں, وعدہ کروا. اب تو حضرت نے یہاں تک صاف کہہ دیا کہ جماعتیں تو اگر ایسے علاقوں میں گئی اور وہاں کوئی ماحول نہیں ہے تو باقاعدہ اعلان کرے کھڑے ہو کر کے, بھائی جماعت آئیے, مرد مردوں سے ملنے آئے اور مستورات مستورات سے ملنے آئیے, بتاؤ کون تیار. حضرت نے اس دن بھرے مشورے میں واقعہ سنایا کہ ایک جماعت گئی اور انہوں نے جا کر کے بات رکھی تو ذمہ داروں نے کہہ دیا مکان نہیں, یہ عجیب بیماری ہے, آج کے بعد تو یہ سارا مجمع طے کرے کبھی کسی جماعت سے کہنا نہیں مکان نہیں, کیوں نہیں مکان, مسلمان کا ہر مکان وہ رہائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ نصرت گائے, آپ کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں, مکان نہیں. ساتھی بھی بڑے سمجھدار, انہوں نے فوراً نماز ختم کے نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے ممبر سے اعلان کر دیا کہ بھائی جماعت آئیے, کون تیار لینے کے لیے, 20 لوگ انجانے اجنبی جو پہلی مرتبہ شاید نماز جائے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, میں ہم تیار ہیں. مکان کی ضرورت 10 مکان کی ضرورت تھی, 20 لوگوں نے اپنے مکان پیش کر. ہاں تو کام کھوجنا تلاش کرتا ہے, ایسے گاؤں اس وقت سب سے پہلے آپ کے سرخیوں میں لکھے ہوئے ہو جہاں پر ایک ہی مکان ہے اور 99 مکان اغیار گئے ہیں اور وہاں پر کوئی جماعت آج تک نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہاں وہاں پر کلمہ 2 لوگ ہیں, ایک فیملی رہتی ہے, ہم جائیں گے, مرد کے لیے مسجد نہیں, ٹھیک ہے مسلح نہیں, کوئی بات نہیں, ہم باہر ٹھہر جائیں گے, ان کا کوئی کمرہ مل گیا ٹھیک ہے, ورنہ ہم ان سے کہیں گے آپ کے آنگن میں باہر ہی ہم اپنا بستر ڈالیں گے, کوئی الگ نہیں, لیکن ہماری بہنوں کو بس آپ اندر رہنے کا موقع دے دیں, ایک قطرہ پانی اور ایک دانہ کھانا ہم آپ سے نہیں چاہتے, حتیٰ کہ بجلی کا پیمنٹ ہم کریں, آپ ڈن کرو پہلے سے جا کر, آپ کیوں پریشان ہو. 3 دن میں گئے, 2-3 دن 1000 روپئے خرچ کر کر آئے, گاؤں والوں کو دعوت کر دی الحمد للہ, دعوتوں کی بنیاد پر ہماری جماعتیں نہیں جانی چاہیے, کھانے پینے کی بنیاد, پیکج کھانے چل رہے ہیں, کیا کھانے چلتے ہیں, پیکج کھانے, 6 ٹائم کے کھانے پکے والے چلتے, مشورہ ہو گیا, امیر صاحب کو کنارے لے جا کے بٹھا لیا, امیر صاحب وہ آج پہلا دن ہے, صبح عبدالرحمان شام کو عبداللہ صاحب اور اگلے دن 3 ٹائم کا یہ کھانا, اور کوئی ضرورت حاجت ہو تو آپ ہمارا نمبر بھی لکھ لیں, کوئی سلسلہ نہیں. ایسا کوئی سلسلہ کہ ہمارے تو محنت کا عنوان ہے, کھانے پینے سے کوئی مشورہ ہی نہیں پارے, ہمیں تو یہ مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جماعت مستورات کی ہمارے یہاں آ رہی ہے تو اس جماعت کو رکھ کر کتنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا, کہاں کہاں ہفتواری تعلیم ابھی زندہ کرنی ضروری ہے, ان شرائط کو ان کے ذریعے سے پورا کرا کے ان کی موجودگی میں ہفتواری تعلیم کو شروع کرانا ہے, یہ عنوان بنانا آنے والی جماعتوں کا رکھنا, کتنی جماعتیں سیروزہ کی نکالنی, کتنی جماعت عشرے کی نکالنی, کتنی جماعتیں چلے کی نکالنی, ہماری محنت کا عنوان, کھانا پینا اس کی ترغیب دیتا,
हर एक जानता है अपने घर में आने वाले मेहमानों को भूखा नहीं छोड़ते और उन्हें खाने पकाने का मौका नहीं देते, तो ये तो माशाल्लाह मारूफ चीज बन चुकी है, लोग खूब इसके इकराम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा ही मशवरा खाने पीने पे चलता है, सारा मशवरा खाने पीने, और कोई मौजू हमारे पास ही नहीं। जमात आ गई, सबसे पहले घर दिखला दिया और उसके बाद अमीर साहब को लेकर बैठ के उन्हें बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना आपका सब हो गया है, उसके बाद गए। दूसरी बुनियादी वजह इन सारे बंजर इलाकों के अंदर जमाते ना पहुंचने की कि हमारा सही से खुरूज का एहतमाम नहीं, ना सहरोदा का खुरूज का एहतमाम, ना आशरे का खुरूज का एहतमाम, ये दो बुनियादी वजह, क्योंकि ये सारे इलाके बंजर बस्तियां बंजर पट्टी ये हमारे सहरोदा और आशरे के जरिए से ही पूरे होंगे, यहाँ के तफाज ये हमारी चिल्ले की जमाते जो निजामुद्दीन सारे उससे पूरे नहीं होंगे, हमेशा तकाज आ रहा है लखनऊ से आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं, मुरादाबाद शहर आ रहे हैं कि भाई फुला जिला है वहां आज तक जमात नहीं है इसलिए हमें जमात चाहिए, वो तो आपका काम था आश्रय की जमात भेजो, शहरों की जमात भेजिए, क्यों नहीं बन रही जमाते, इसलिए क्या हमारे यहाँ कोई एहतमाम नहीं, मर्दों का निकलने को मर्दों में निकलने को जरूरी लाजिम समझते हैं, लेकिन मसूरात के खुरूज को मसूरात के साथ निकलने को हम अपने लिए जरूरी लाजिम नहीं समझते। खूब जहनों में हमारे अगर एक साथी नेक अल्लाह के रास्ते में निकल रहा उसके लिए वो सारे फजाइल का यकीन है, उसे वो सारे फजाइल हासिल होंगे जो दौरे नबूवत में थे, और एक साथी अगर तीन दिन और अशरा तीन दिन और चिल्ला नहीं लगा रहा तो पूरा यकीन सारे आमने में के बड़े खसारे में, ये तो अल्लाह के इताब का और अल्लाह की नाराजगी का शिकार हो चुका, जिस तरह काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला उनके साथी तबू के मौके पे पीछे रहने की वजह से अल्लाह की नाराजगी का शिकार हो चुका, यकीन है काबिल है, लेकिन यही साथी तीसरे महीने में जा ही नहीं रहा और मस्तूरात को तो लेकर नहीं जा रहा, वैसे भी नहीं जा रहा, इख्तियारी है तो छुट्टी है हॉलीडे है तीसरा महीना उसका, हमें कोई एहसास ही नहीं कितने बड़े जो है गलती में और कितनी बड़ी ये कोताही कर रहा, कितने बड़े नुकसान और खसारे में हमारा साथी है जो तीसरे महीने में मस्तूरात में नहीं जा रहा, इख्तियारी काम समझा जा रहा, नफीली काम जाहिर काम, तीसरा महीना जो चाहे लगा ले जो नहीं, और अगर कोई मुश्किल है हालात है नहीं लगा सका मस्तूरात में तो कोई बुराई की बात नहीं, यहां तस्वूर है काम करने वाले अमले के अंदर आम तस्वूर, एक साथी को मर्दों में तीन दिन लगाने में जितनी ताकत लगाते उसमें से 1% भी मस्तूरात को उस साथी को निकालने में हम नहीं लगाते, चर्चे पे चर्चे होंगे इन साहब का तीन दिन नहीं लगा लेकिन उन साहब का मस्तूरात में नहीं लगा, कोई तस्करे नहीं कोई चर्चे नहीं कोई कड़वी नजर से देखने वाला है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई आदमी चिल्ला लगा के चार महीने लगा के अच्छा काम का बन के फिर अल्लाह ना करे उसने दाढ़ी पे हाथ रख दिया दाढ़ी उसने काट दी उसे तो दूर के देखने वाले बेशुमार निगाहें मशूरे के अंदर, और वही साहब अल्लाह के नबी की इतनी बड़ी सुन्नत दावत की सुन्नतों में अहम तरीन सुन्नत कि अपनी बीवियों को लेकर नबी की आईन सुन्नत समझ करके दर दर की ठोकरें खाना, इस सुन्नत को छोड़ के बैठा हमारा एक साथी और उसे कड़वी नजर से देखने वाले दो आंखें भी नहीं, तो अपना आपस का माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिस तरह मर्दों में वक्त लगाए बगैर एक साथी का हमारे साथ उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह उस साथी का मस्तूरात में सहरोदा लगाए बगैर सारा मस्तूरात में आशरा लगाए बगैर हमारे साथ उठना बैठना आंखें मिलाना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो खवातीन खवातीन की खैर खबर लिया करते अल्लाह के नबी के जमाने में, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक खातून से पूछ रही क्या बात है आपके शोहर मस्जिद में नजर नहीं आ रहे, ऐसे पूछ रहे जिस तरह वो मस्जिदवार जमात में शरीक होती है, तो कह तुम्हें कैसे पता कि नहीं मेरे मर्द बता रहे थे कि वो उम्मे सलमा एक साहब है वो आए हुए हैं और वो नजर नहीं आ रहे हमें ये मालूम है कहाँ है, कह कि हाँ वो अल्लाह के रास्ते में गए थे लेकिन वो मैदान से पीट फेर के वापिस आ गया, इस वजह से अब वो जब भी मस्जिद में जाते हैं तो सबके सब कहते हैं भगोड़ा आ गया भगोड़ा आ गया भगोड़ा आ गया, इस वजह से वो ताने बर्दाश्त नहीं कर सके और मस्जिद में जाना छोड़ दिया और घर ही में नमाज, खवातीन खवातीन कितनी फिक्र करें खवातीन खवातीन कितनी फिक्र है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोज अव्वल से खवातीन को निकाल दी और आखिर दम तक आप निकालते रहे, खिलाफत राशिदा और दौरे खिलाफत में सहाबियात एहतमाम से अपने महरमों के साथ निकलते रहे, खुद अजवाज मुतहरात का हाल ये कि कुरान डालकर अल्लाह के नबी के साथ जाने और निकलने के जज्बात होकर और अल्लाह के नबी का मुस्तकिल मामूल के कुरा डाल के जिसके नाम कुरा निकल गया उन्हें लेकर के अल्लाह के रास्ते में जाते, इतनी बड़ी सुन्नत है दावत
मस्तूरात को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल, कितनी बड़ी सुन्नत आप बताइए, अंदाजा लगा। कल परसों हजरत ने मशोरे में यह सुना, कल की परसों मशोरे में हजरत ने सुनाया, मैं इसलिए सुना रहा कि हमारी बहनें अहतमाम से निकले और बंजर पट्टियों में जाए, पुरानी पुरानी बहन, ये नहीं कि आप आए बनकर के बैठ गए तकरीरें करने बैठ गए, अब पुरानी बहने निकलने को तैयारी नहीं। एक मिनट में पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस में जमा की और वहां पता चला कि यहां का एक और इलाका है तीन तिहाई बेदीनी का, बेहयाई का इलाका, और उस इलाके में कोई जमात आज तक दाखिल नहीं, कोई जमात नहीं, पुलिस आ जाती है अगर उस इलाके में जमात भी चली गई, क्या आप जो है इस बुराई, इस अच्छे माहौल को बिगाड़ने के लिए क्यों आते? हमारा इतना अच्छा माहौल बना हुआ, बेहयाई का माहौल है, उसे बिगाड़ने के लिए आप अगर बुरखे में कोई चले जाए तो पुलिस आ जाती थी, कुर्ते पजामे में कोई चले जाए तो आ जाते, कहां आ गया? इतनी मुश्किल से हमने इतना अच्छा माहौल बनाया, लोगों को बिगाड़ने का माहौल, और आप यहां क्या कर रहे हैं? खैर, वो जमा की बहन में से एक बहन बड़ी फिक्रमंद, खूब सदका और सलातुल हाजत और रोजे, और फिर उसके बाद किसी तरह उस पट्टी में एक घर था वहां पर जो दावत में लगा हुआ, तो चारों तरफ बेहयाई, तो जमात उस घर में जाकर, जब जाकर रुकी जमात, तो उस खातून ने तो पता चला कि इस घर के पड़ोस में उसी गली में एक घर ऐसा है, वहां पर पांच बहने हैं जो पूरे फ्रांस में सबसे बड़ी मुगनिया, सबसे बड़ी गवैया, बहुत ऊंचे दर्जे की गाना गाने, और वो है कलीमे वाले, सारी बहने कौन है? इस बहन को बहुत आया, हालांकि करीब में था, तो किसी तरह हिकमत से ये बहन वजीद हो गई, अब देखा कि भाई जमात टूट ना जाए, तो ये बहन अपने शोहर के साथ उस बहन के घर चली गई, दरवाजा खटखटाए, कौन है? बुरखे में मुकम्मल वो बहने बिल्कुल दस्ताने वस्ताने के साथ, जैसे जमात पहुंची पहले तो पुलिस ही आ गई, भाई कहां से आगे किधर, लेकिन ये तो हम तो हमारे रिश्तेदार है, ताल्लुक वाले, मिलने के लिए, और कुछ और कोई प्रोग्राम, फिर वो बहन उस घर के अंदर गई, खटखटाया और कुछ नहीं, सलाम दुआ करके ताकि हम भी अल्लाह की बंदी, तुम भी अल्लाह की बंदी, हम आए फला मुल्क से आप लोगों से मिलने के लिए, ये सामने है ना मोहल्ला, सामने जो मकान है उस घर में हमारा कयाम है दो दिन चार दिन के लिए, और दोपहर को प्रोग्राम आप लोग आ जाए, ये कहते वापस, और फिर दुआ जिक्र में लग, उसका ऐसा असर पड़ा कि वो पांच नहीं छह दस बहनों को लेकर आ गए, पर्दा तो था ही नहीं, कपड़ा वही था जो उनका था, कपड़ा वही जो उनका होता, उसी कपड़ों में वो बहना, कहने के वो बहने बैठी तो जो सर झुका के बैठी तो उस मजलिस से उठी तो दुपट्टे के साथ उठी, रोती रही, उन्होंने कह दिया आप हम इस घर से नहीं जाएंगे जब तक दो दिन आपका इस घर में कयाम रहेगा, हम दो दिन आपके साथ कयाम काम करना चाहते, क्या बोला? दो दिन क्या करना चाहते जी? दो दिन इस घर में हम कयाम काम करना चाहते, बहुत अच्छी बात, तो दस की दस बहने किसके साथ? उस मस्तूरात की जमात के साथ, और उसके बाद इतना अंदर दीन का फिकर उनके अंदर पैदा हो, जब वहां से जमात निकलने लगी उन्होंने जिद करके कहा कि जहां जहां पेरिस में जाएंगे, फ्रांस में जितने दिन रहेंगे जहां हम आपके साथ, लेकिन एक शर्त है कि हम पर्दे के साथ, एक शर्त। अब वो खत आया, सारे अकाबिर मौजूद, आज अब्दुल वहाब साहब, बड़े बड़े अकाबिर, और हमारे हजरा सब कहां थे? अमेरिका में जोड़ था वहां सब, वहां खत आया फ्रांस, ऐसी सी जमात है और जमात ने ऐसी मेहनत करी, ऐसी कुर्बानी दी और ऐसे पट्टी में एंट्री मार दी कि वहां कोई वहम और गुमान में तस्वूर में नहीं, वहां जमात चली, और वहां की एक नंबर के आला दर्जे की गाने गाने वाली खवातीन वो मुसलसल जिंदगी पलट गई, अब वो खुरूज के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि पर्दे की, तो अब क्या करें? कह लेंगे सबके सब कहने लगे हाँ भाई गुंजाइश दे, गुंजाइश दे, गुंजाइश दे, गुंजाइश दे, सब एक नैन से सबकी राय, सबकी राय, मुफ्ती साहब ने सबके राय लेकर फिर हजरत जीवाना शाह साहब दामद प्रकाश हुए, आपकी कह रहे कत्तन मेरी तो कोई राय नहीं, कोई गुंजाइश ही पर्दे के बगैर जाए, गुंजाइश ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, कहेंगे वरना ये जमात जाएगी तो ये बात चलेगी कि भाई तबलीग में मस्तूरात को बिना पर्दे के निकाला जा रहा है, ये चलाएंगे, ये नहीं कि भाई मजबूरी में भी खवातीन को पर्दे, ये कहेंगे तबलीग में बिना पर्दे के मस्तूरात को निकाला जाए, सारे बड़े परेशान, आखिर किसी पे फैसला हुआ कि हाँ इनको निकलना है तो पर्दे के साथ निकलने की इजाजत, बिना पर्दे के नहीं निकल सकती, ये खत वहां पहुंचा, जैसे ही उन सारी बहनों पर इस खत का ऐसा असर पड़ा कि रात ही रात बुरखा पहन के फिर उस जमात के साथ वो अल्लाह का, इतना ही नहीं
फिर वो जब उस जमात का वक्त वहां खत्म हुआ और वो वापस आने लगे पड़ोस की जमात, तो वो जमात पहले मस्तूरात की दस बहनें अपने महरमों के साथ पड़ोस आए, फिर उसके बाद हिंदुस्तान यहाँ वक्त लगा कर मेहनत है, काम है, ऐसे दूसरे को हम तैयार करें। कल की परसों के मशहूरी की बात अगर सुना रहे। असल में इस बात पर बात आई कि एक साहब रियाद के बहुत ऊंचे दर्जे के इमाम साहब अभी रमजान में चिल्ला लगा कर गए, तो उनको इतना शौक हो गया कि वो अपने बीवी के साथ आना चाहते हैं और फिर अपने गैर शादीशुदा बच्चे को लाना। मैं असल में इस पे हुआ, हमारे साथी ना रुख्सतें चाहते, इजाजत चाहते, इजाजत दे दे, गुंजाइश दे दे। वो परसों का वापस रियाद के बहुत बड़े इमाम, वो अपनी घरवाली और अपनी गैर शादीशुदा एक बच्ची के साथ आना चाहते। हजरत कहा कि नहीं, बिल्कुल वो यहाँ तक तो आ सकते, मरकज तक आ सकते, इसमें कोई हरज नहीं, वो हमारे खसूसी मेहमान, लेकिन यहाँ से फिर उनकी तश्कील आगे हो, लेकिन हम शराइत नहीं पहुंच सकते उस पर। यह वापस अल्लाह का फजल है, जितने हमने शराइत बढ़ाए उतना काम बढ़ाए कटा नहीं। हजरत फरमा रहे थे शराइत हमने, शराइत तो है काम की तकमील के लिए, शराइत तो है काम की तकमील के लिए, काम की मजबूती के लिए शराइत। उस पर ये वाक्य सुना है कि हमने जहां जहां शराइत को मद्देनजर रखा, उसको जितना मजबूत किया उतना हमारा काम मजबूत होता चला गया, तरक्की करना चाहिए। कहें ठीक है इमाम साहब से कहें, वो अपने फैमिली के साथ आए, अपने बच्चों को लेकर के आए, लेकिन यहाँ रहने तक ठीक है, लेकिन आगे चिल्ले की तश्कील की हमारे यहाँ कोई, उसके लिए तो फिर शराइत आप मुकम्मल कर रहे, चाहे आप जाए अपनी बच्ची को छोड़ करके वापिस आए और फिर उसके बाद आपके पास। इसलिए ये बात बहुत देखने में आ रही है कि हमारे साथी साल का चिल्ला, साल का चार महीना बहुत एहतमाम से, लेकिन उस दर्जे में दस दिन लगाने का कोई एहतमाम, बिल्कुल कोई एहतमाम। अभी आपका पर्चा आता है, हम अभी कल भी बैठे तकरीबन 100 पर्चे थे, 30 पर्चे मलेशिया से और 20 पर्चे इंडोनेशिया से और बाकी सब हिंदुस्तान के पर्चे। अब उसके अंदर देखा कि माशाल्लाह तीन बहने हैं इस जमात में चिल्ले लगाए और एक बहन का तीन मरतबा चिल्ला लगा, तो हमने फौरन देखा उसका अशरा अशरा है। इसका साफ मतलब है अगर उसने तीन साल का वक्फा करके करके उसने आज चिल्ला तीसरा लगाने का इरादा किया है तो 10 साल हुए और 10 साल पहले उसका अशरा लगा, बीच में 10 साल क्या हुआ ये बताओ। इसका साफ मतलब है अल्लाह माफ फरमाए कि हमारे दिलों के अंदर मस्तूरात को साल में 10 दिन लगाने का कोई एहतमाम नहीं, इसको जरूरी ही नहीं समझ, बस जिंदगी भर तब्दील में चलने फिरने के लिए एक अशरे को हम चाबी बना लेते हैं, बस लग गई चाबी चलते रहो, बाकी हर साल का आशरा कौन लगाएगा। साथियों का मशवरा होना चाहिए, आप इस साल जा रहे हैं मई में निकल रहे, जून में निकल रहे, चिल्ले में जा रहे हैं चार महीने, पहला सवाल यह है कि आपका इस साल का मामसूरात आशरा कब लगेगा, ये सवाल सबसे पहले उठाएं। आप अपने रोजाना के मशवरे में, आप अपने हफ्तेवारी मशवरे में, आप अपने माहाना जोड़ में, पहला उम्मान अब्दुर्रहमान साहब आप पुराने साथी माशाल्लाह आप चिल्ले में जा रहे, चार महीने में जा रहे, बेरून जा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आधा ही काम हुआ ना आपका, चिल्ले में चार महीने में, बेरून पांच महीने, आधा काम हुआ, बाकी आधा काम आपका अपनी अहलिया के साथ ये साल पूरा होने से पहले 10 दिन, वो आधा काम आप कब करेंगे, पहले करेंगे कि बाद में करेंगे, तारीख डेट फिक्स करो। हर साल का 10 दिन मशवरा तो उसका लगना ही लगता है, दो साल मुसलसल चिल्ले लग गए, अब तीसरा साल आ गया तो मशवरा हो रहा है, अब क्या करना, भाई थोड़ा सा उजर आ गया घर में, चलो कोई बात नहीं, एक बेरून की जमात बननी उसमें चले जाओ, इंशाल्लाह तलाफी हो जाएगी। नहीं, आप तो तीन साल तक भी बेरून में लगाते रहो, आपका तीसरे साल का मसूरात में चिल्ले लगाने की तलाफी हो ही नहीं सकती, जो चाहे कर लो। सरासर आपने अपनी बेहतरीन सलाहियत का नुकसान किया, अल्लाह की तरफ से मिली हुई नियमत है खातून और उसकी जान, उसकी माल और उसकी फिक्र है, उसकी ताकत है, उसकी कुव्वतें जो अल्लाह ने हमें दी है खालिस, उसे दीन की मेहनत पर डालने के लिए हमने उसे जाय कर दी, तीसरा साल चिल्ला ना लगा कर मुस्कुराते, ये सलाहियत हमने जाय करी और इतनी जाय होती है कि उसका असर खुद हमारे अपने खुरूज पर पड़ता है, धीरे धीरे फिक्रें अलग होती है मियां बीवी की और इन साहब का भी तरतीब पर निकल, तकादों पर निकलना तो बहुत आगे की बात, तरतीब पर निकलना भी मुश्किल हो जाता, कह नहीं सकते अपने घरवाली से बिस्तर तैयार करके दे दो मुझे तकादे में निकल, खामोशी से निकल जाते, बता भी नहीं सकते, उस दर्जे में हम अपने खवातीन को अपनी फिक्रों में शामिल नहीं करते, घरों के अंदर कोई तस्करी नहीं कि हमारे जोड़ में क्या हुआ, हमारे मशूरे में क्या हुआ,
और हमारे शब गुजारी में क्या हो रहा, रोजाना के मशूरे में क्या हो रहा, हफ्तेवारी मशूरे में क्या हो रहा, हमारे पूरे शहर में शहरों की जमातें कितनी मस्तूरात की चल रही और कितनी चिल्ले की जमातें चल रही, ना उनको बदलाना है, ना उनसे कोई राय लेनी, ना उनसे काम लेना कुछ। हालांकि बेशुमार मस्तूरात के अमाल ऐसे हैं कि उसकी शुरुआत ही मस्तूरात से हुई, बल्कि उसके अंदर शुरुआत करने में फिक्र ही मस्तूरात की फिक्र को दखल, मस्तूरात की फिक्र को दखल। अब तुम्हारी तालीम किसी और के मशवरे और किसी और के फिक्रों का नतीजा नहीं, उसमें एक मर्द की भी फिक्र नहीं थी, एक सहाबी की फिक्र के दखल नहीं और अल्लाह के नबी की फिक्र की भी इसमें दखल नहीं। मस्तूरात की अब तुम्हारी तालीम जो हमें मिली है वो सहाबियात की फिक्रों का देन है, उन्होंने खुद आकर के मुतालबा किया है, बुखारी शरीफ की रिवायत, खुद आकर मुतालबा किया अल्लाह के नबी आप सबके पास मबूस किए गए, सबके लिए आप नबी बनाकर भेजे गए, लेकिन ये क्या बात, ये मर्द हजरात दीन सीखने में हम पर गालिब आ रहे हैं, आपकी खिदमत में पहुंच रहे और उसमें हम बराबर शरीक नहीं हो सकते, बेपरदगी होती तो हम दीन कैसे सीखें, हमारी राय क्या, आप हमारे लिए भी एक दिन मुकर्रर फरमा दे और फिर उसमें मर्द बिल्कुल शरीक ना हो, मुकम्मल पर्दे का एहतमाम हो। और आप आकर तो पता ये चला कि आपकी तालीम हुजूर के, आपने इतनी खुशी का इजहार किया और उनके लिए दिन मुकर्रर फरमा दिया, इसलिए मुफ्ती महमूद रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सरा से बात फरमाई कि तो दौरे नबूवत का अमल है हमारी तालीम, कौन सा अमल है जी, दौरे नबूवत का अमल, दौरे नबूवत का अमल, दिन मुकर्रर करना, जगह मुकर्रर करना और फिर वक्त मुकर्रर करना और खवातीन को इकट्ठा करना, और वो जो बोलते ना पर्दे वाला मकान, ये इन्हीं खवातीन की फिक्रों का नतीजा है। जिस तरह मर्दों की आमद पर हम नहीं आ सकते तो हमारी आमद में मर्द क्यों आएंगे, आप ऐसा वक्त नहीं जिसमें मर्द नहीं आ सकते। मालूम हुआ कि पर्दे की शर्त इसी हदीस में मिल गई, पर्दे की शर्त हमने नहीं लिखा, तबलीग वालों ने निजामुद्दीन वालों, ये तो शरई चीज है और ये उन्हीं की शांति कि उन्होंने कयामत तक हमारे लिए नमूना पेश कर दिया। तुम्हारी तालीम सुरात का हुरूज, इसलिए ये सब चीजें अख्तियारी की हमारी बुनियादी जिम्मत है। हर तीसरे महीने का सहरोजा लाजिमी, साल का अशरा लाजिमी, अगर हमारे जिले से मर्दों की सहरोजा जमात महीने में 100 निकल रही है तो महीने में मस्तूरात की कम से कम 200 जमातें निकलनी चाहिए। मस्तूरात कितनी निकलनी चाहिए, 200 जमातें निकल, एक मस्जिद से अगर 4 जमातें सहरोजा की है तो 8 जमातें मस्तूरात की निकलनी चाहिए, कितनी निकलनी चाहिए, 8 जमातें। हाँ, एक शराइत पूरे करके निकले, 3 दिन में कोई मर्द जाना चाहता है उसके लिए बहुत मोटी सी शर्त यह है कि भाई शराई महरम उस खातून का जिसके साथ, और अगर आशरे में निकल रहे हैं वो साहब तो 3 शर्तें पूरी करे, एक तो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा नहीं जाए, और बाशरफ और चिल्ला लगन, और वो साहब चिल्ले में जाना चाहते हैं तो एक मरतबा उनके 4 महीने लग चुके, और वही साहब महरूम जाना चाहते तो 3 मरतबा 4 महीने लगे, और कोई खातून 3 दिन जाना चाह रही तो शरई महरम, शरई पर्दा और बच्चे साथ, ये 3 बुनियादी शर्त 3 दिन में जाने के लिए खातून। वही खातून 10 दिन में जाना चाहती है तो फिर एक शर्त का इजाफा कि 3 मरतबा उनके सहरोजा लगे हुए हों, और वो खातून अगर चिल्ले में जाना चाहती है तो अब 3 शर्तों का इजाफा होगा कि हमल से ना हो, 1 अशरा लगा हो, 2 अशरे की बात बहुत पहले खत्म हो चुकी, 1 अशरा लगा हो, हमल से ना हो, और फिर शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा चिल्ले में नहीं जा सकते। वही खातून चिल्ले में बैरून 2 महीने जाना चाहती है तो उनके 2 मरतबा चिल्ले लगे हुए अंदरून मुल्क, और वो खातून निजामुद्दीन नुसरत में आना चाहती है तो फिर 40 से 60 साल की उम्र हो, खूब खिदमत का और फिर इख्तिलात का, इंफरादी दावत का, सीखने सिखाने का मिजाज हो, तालीम का हल्का ले सके, मुजाकरा 6 नंबर कर सके और कुरान का हल्का ले सके, और उसके साथ साथ 3 मरतबा चिल्ले लगे हुए हों, और आखिरी चिल्ला 3 साल के अंदर लगा हुआ हो, 3 साल से ऊपर हो गया तो फिर पहले चिल्ला लगेगा उसके बाद नुसरत में कबूल किया जाए। और अब अल्लाह का फजल है माशाल्लाह मस्तूरात के नुसरत के 2 महीने का सिलसिला शुरू होने वाला, कितने महीने का सिलसिला, शाम 2 महीने का सिलसिला, और पूरे हिंदुस्तान से जो चुनीदा चुनीदा पुरानी बहने माशाल्लाह जो कई मरतबा नुसरत में आ चुकी और माशाल्लाह खूब मुजाकिरा कर सकती है, खूब इख्तिलात कर सकती है, ऐसी पुरानी बहनों को सामने रख करके अब 2 महीने की तरतीब इंशाल्लाह बनने वाले, कितने महीने की, 2-2 महीने, 4-4, 5-5 जोड़े होंगे, 2-2 महीने के, बाकी कोई भी सूझा उनके मातहती में 1-1 महीना लगाता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन चंद बहने उस 2 महीने में ऐसी होंगी जो 2 महीने मुसलसल लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर वो जोड़ी जाएगी अगले 4-5, एक तमिलनाडु से और एक यूपी से और एक आंध्रा से, इस तरह पुरानी 5 बहनें
جو ایسی مضبوط عربی میں انگریزی میں اور مذاکرہ صحیح کر سکے اور اپنی جماعت کوئی اہم آ جائے ان کے ساتھ لگ کر جا کے ان کو عملی طور پر کام بھی سکھا سکے. مسورات کا کام اتنا آگے نکل اور اس کے لیے اگلے 11 اگست کو جوڑ بھی ہونے والا, اس کے لیے 11 اگست میں جوڑ بھی ہونے والا. تقریباً 150-200 پورے ہندوستان سے پرانی بہنوں کو بلائے, 3 دن ان کا قیام مرکز میں رکھا جائے گا اور ان سے سارے کام کا مذاکرہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ان میں سے ساری بہنوں کے مہینے متعین کیا جائے, بتاؤ کون تیار ہے کون سے مہینے میں, 2 مہینے کام کہاں چلیں گے بتائیے. ہم تو ابھی مردوں میں 2 مہینے لگاتے ہوئے سوچ رہے ہیں. ایسی سی بہنیں جن کے 15-15, 20-20 مرتبہ نصرت میں وقت لگتا, ایسی سی بہنیں 15-15, 20-20 مرتبہ نصرت میں وقت لگتا. بہت اہم تقاضا ہی ہے ہمارا پورے عالم سے. ابھی موروکو سے 9 جوڑے آ کے اترے تھے, 3 دن تک ہم پریشان تھے کہاں بھیجو. مکے سے 5 جوڑے آ کے اترے تھے, انتہائی پرانے پرانے جوڑے, کہاں بھیجا جائے ان کو اور کس کے ساتھ لگا کے بھیجا جائے. ایک بھی جوڑا نہیں ہے جن کو لگا کے بھیجو. آپ نے جو جوڑے بھیجے یقیناً قابل قدر ہے سر, آنکھوں پر خدمتیں کر رہی, گر گر کے تھک تھک کر کے پسینہ پھوٹ رہا, بے ہوش ہو رہی, اتنی گرمی اندر ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے تقاضے ضائع ہو رہے کہ بیرون کی ایک جماعت آ جاتی ہے اس کو لے کے چلنے والا کوئی جوڑا ہی نہیں ہمارے. اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں, یہ سارے اعمال ہم نیت کریں, ارادے کریں, اپنی ذات سے کریں گے انشاءاللہ. گھر کی تعلیم کی پابندی کرنی, ہفتہ واری تعلیم کے اضافے کرنے ہیں شرائط پورے کر کے, اور اللہ کے راستے میں پابندی سے نکلنا, اور یہ تو طے کریں گے انشاءاللہ گاؤں دیہات پوری پٹیاں حل اپنے ضلع کے اندر شہر کے اندر ایسے حل تھے جہاں آج تک مسورات کی جماعتیں نہیں جاری, کمزوری کا شکار ہے دکی جو پڑ پٹی ہیں, ہم وہاں پر بھی اپنی سیروزہ کے عشرے کی جماعتیں ڈالیں اور نظام الدین نصرت کے لیے مضبوط مضبوط جوڑے بھیجیں گے اور ملکوں میں انشاءاللہ کھلے خرچ کی 2-2 مہینے کی جماعتیں بنائیں گے. اب انشاءاللہ ہمت کر کے فرمائیں کون کون انشاءاللہ نظام الدین نصرت کے لیے تیار ہے اور 2 ماہ بیرون کے لیے تیار اور اندرون ملک میں چلے کے لیے تیار, کھڑے ہو کے نام لکھائے. دیکھیے بھائی یہ باتیں ہو گئی, مفتی صاحب نے اتنا وقت دے دیا, اللہ جائے خیر دے, آپ غور کریں سبھی لوگ, بھائی جانے دیں.